जी विंडो के साथ ना ये काम भी बंदा ले सकता है, किसमें जितने आपने कपड़े हैंग करने ना कर लें, कोई ही भी लिमिट नहीं है कि आप इतने नहीं कर सकते। खुले डुल्ले आप कपड़े इस्तेमाल करो, ठीक है। आई होप मैंने शादी पे जाना, मुझे एक ऐसे कमरा मिल गया जहाँ मिल जाए, जहाँ ऐसी विंडो हो, तो मैं आराम से अपने, अब इसमें जो मेरे बेटे के भी नहीं है और मेरे भी कपड़े नहीं है, सिर्फ बच्चियों के और हस्बैंड के सिर्फ हैंग हुआ है मैं, ठीक है। अंदाजा कर लें, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी कि ट्रक की पड़ेगी। ये खुसा पड़ा जो मैं सुबह पहनूंगी, खेड़े मेरे हस्बैंड की पड़ी है, ये हिमान की शूज पड़े हैं, शाल के पड़े हैं, और बेटे के मेरे के जो है ना बाहर पड़े हैं, उसने अपने लोफर्स ही पहने हैं। तो ये देखें, ये सूरत हाल होती है। और अगर ऐसा मुझे कमरे में विंडो मिल जाए ना, तो सच्ची मेरे वारे न्यारे हो जाए, मुझे ऊपर नीचे रख के जो ना सारी मतलब जो है ना खराब हो जाते हैं, कपड़े फिस जाते हैं। सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ मैं चाय के साथ कैंडी बिस्किट जो है ना इन्जॉय करने लगी हूँ। कैंडी बिस्किट मेरे मोस्ट फेवरेट बिस्किट्स हैं। और ये जो क्यूटेक्स है जो मुझे शावर ईमान के लगानी है, उनको शावर मैंने दे दिया है। मैंने कहा चलो उनके हाथों और पैरों पे लगा देती हूँ, बड़ा प्यारा सा कलर है, बट मुझे अभी नहीं लगानी क्योंकि मुझे नेल पे एक्रेलिक करवाना है, तो बस मेरा वो काम रह गया, बाकी मेरी सारी जो है ना तैयारी हो गई है। तो अपनी भी ट्यूनिंग श्यूनिंग कर ली है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी की है और अपने कौन कौन से काम जो है ना मैंने किए हैं, ठीक है जी। सूटकेस जो है ना मैंने रेडी कर लिया, ये मैंने टॉवल रख लिया है, ये मेरे हस्बैंड का है, ये बच्चों का है, मैं यूज़ कर लेंगे, एक छोटा सा टॉवल रख लिया है, ये मेरा एक सूट था उसका दुपट्टा मैंने रखा है। और यहाँ सारे जो है ना मतलब कि जैसे ये कैजुअल वेयर का, यहाँ पे नाइट में पहनने के लिए, और ये सारे बच्चों के दो दो सूट मैंने रख लिए हैं, ठीक है। सही है, फंक्शन अटेंड करने के बाद जब घर में आके चेंज करना था, एक ये मिरर रखा है, एक टेप रख ली है, ये मेरे जो है ना थोड़ी सी क्रिम्पर है, वाइप्स रख लिए हैं इसमें भी, और ये मेरे क्लचेस हैं, इसके सारी जो है ना कुछ चीज़ें हैं, इनर वेयर वगैरह, ठीक है। ये क्लेंजिंग रख लिया है, पेट्रोलियम जेरी सी जेरी जेली सीरम रख लिया है, परफ्यूम्स रख लिए हैं, एक तो बैग में है, एक इसमें भी है, और हेयर स्प्रे है, और बॉडी स्प्रे है, वो है कंडीशनर, एसेंस, वॉच, वाइप्स, और ये मुझे जो बॉक्स है ना सीटी के परफ्यूम का बॉक्स था, बड़ा अच्छा काम का बॉक्स है, इसमें सारी मेरी ज्वेलरी है, ठीक है। इसमें मतलब एक मेरा एक मतलब एक मेरा ड्रेस है, एक मेरे हस्बैंड का है, और जी बाकी बच्चों के दो दो मैंने ड्रेसेस रख लिए हैं, ठीक हो गया जी। ये टॉवल है, और मैंने कहा चलिए मैं आपको दिखाई, बाकी सारे जो हमारे फंक्शन के ड्रेसेस हैं ना, तीन तीन बच्चों के चार चार हैं, तो वो मैंने जो है ना हैंग में वैसे ही उठा के ले जाने। ये एक मैंने रख लिया है, ये एक हस्बैंड का रख लिया है, ये मेरा एक दुपट्टा है, और ये मेरी थोड़ी सी चूड़ियाँ हैं, मैं शायद बैग में डाल देती हूँ, सही है। और ये थोड़ी सी हेयर ड्राई रखी है, ये मैंने सुबह बाल बार में ड्राई करने से बाहर पड़ी है। इसमें सारी जो लेगिंग और सॉक्स वगैरह बच्चों की रखती हैं, और ये इनवाले भी इसी में रख लिए हैं, और ये हो गया जी हमारा सूट को बंद कर देना है, इसको मैं सुबह बंद करूँगी। और ये कुछ खाने पीने की चीज़ें बच्चे लेकर आए थे वो है, और ये मेरे ग्लासेस बाहर पड़े हैं, इसको मैं रखने, और मैंने अपने बैग में क्या रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये वाला मैं बैग लेके जा रही हूँ, और रात का टाइम है जो है ना 1:30 हो गया, मैं स्लाइस ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने एक ब्रश रख लिया है, और पड़ा है क्या पड़ा है सैनिटाइज़र पड़ा, और ये दवाएँ रख ली हैं, सही हो गया। इसमें एक मिरर रखा है, एक मेरी मोस्ट फेवरेट हैंड क्रीम है, दी बॉडी शॉप की ग्लैसरीन जो नज़र आ गई थी टेबल पर पड़ी हुई वो मैंने रख ली है, और ये मेरी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये रख ली है, सही हो गया। पैनाडोल का पता रख लिया है। मेकअप में मैंने एक ये रखा है बेबी लिप्स बाम है, बड़ा प्यारा सा कलर है, हाय हाय ये मेरे हाथ ही ख़राब करते। अच्छा चलो खैर, और एक ये ब्लश रख लिया है पॉपुलर का, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, और एक लिप क्ले रख लिया है जिसको आप लिप और चीक्स पे दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बबल गम पेन हमेशा मेरे बैग में होता है, कैचर होता है, और इसमें एक लॉक है, और जी ये मेरी किट है, नेल किट है, इसमें जो है ना देखेंगे बॉडी शॉप, और ये छोटे से परफ्यूम्स जो है ना जे टोट के मेरे अक्सर बैग में होते हैं, ये मेरा वैलेट है, और ये एक कॉम्पैक्ट पाउच, और ये छोटी सी डायरी, इसमें फ़ोन नंबर वगैरह लिखे हुए होते हैं, इसमें मेरे सारे मास्क हैं, और इसमें थोड़ी सी ज्वेलरी है जो फिर मैं गाड़ी में बैठ के जो है ना पहनूंगी, मैंने इसमें रख ली है, और इसमें भी ज्वेलरी ही है, ये सारी मेरी ज्वेलरी है जो मैंने गाड़ी में रख के पहनूंगी, और ये थोड़े से लिप ग्लॉस और लिप बाम रख लिए थे बॉडी शॉप के एल्फ के, ठीक है। ये है जी मेरा बैग,
हैं, बाकी इसमें फ़ोन और चार्जर वगैरह जाएंगे। और ये सन ग्लासेस हैं, ये हो गया जी, ठीक हो गया। और ये भी हो गया। अभी चूड़ियाँ मेरा ख्याल मैं पहन लूँगी, अगर मुझे नहीं भी इवेंट पे पहननी हुई तो फिर मैं उतार दूँगी जाके। तो यहाँ पे मैं इसको कहीं एडजस्ट करूँगी, एडजस्ट फिलहाल इसको मैं यही रख देती हूँ कहीं। तो ये हो गया जी, ये देखिए इतना बड़ा बैग, ये है जी मेरा बैग, सही हो गया ठीक। शूज़ वगैरह इनमें हैं, और ये कुछ हेयर एक्सेसरीज थी, हेयर बैंड थे, मैंने कहा उसमें टूटना चाहिए तो मैंने फिर इसके ऊपर ही रख दिया ये पैकेट। और ये इसमें सारे शूज़ हैं, इसमें सारे शूज़ हैं, मैंने बॉक्स नहीं लेके जाना, इसमें बहुत सारा हो जाएंगे। इसमें मेरे हस्बैंड के शूज़ हैं, और उसमें जो है ना एक तो चीज़ है जो ब्राइड का दुपट्टा और जो उसकी पोटली थी, वो मैंने उसमें डाल के जो ना उसको बिल्कुल बंद कर दिया ताकि निकल ना जाए, खिंड ना जाए, वो लाजमी पहुँचनी चाहिए। बाकी ये जो बच्चियों ने पहने हैं वो हैं, और जो जो बच्चों ने पहने हैं वो यहाँ मैंने हैंग कर दिए हैं, सारे मेरे भी वार्डरोब में हैं, वो जाते हुए निकालूंगी। ओके जी, चीज़ें तो मैं ऑलरेडी सारी रख चुकी हूँ, बट यहाँ से जो ना मुझे अपनी एक डे क्रीम रखनी है जो मैं मेकअप से पहले भी एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ कर लूँगी। और एक ये है जी मेरा मोस्ट फेवरेट जो है ना फेस मिस्ट, और तो मुझे यहाँ से कोई ऐसी खास चीज़ नहीं उठानी, सही हो रही है, देखिए मिट्टी से भर जाता है डेली, ये सही हो गया। सोच मुझे कुछ नहीं लेके जाना यहाँ से, बस ये दो चीज़ें उठानी है, तो ये मैं उठा के जो है अपने बैग में डालूँगी। और मैंने टिश्यू का बॉक्स भी रख दिया है, इसको सुबह मैं एडजस्ट करूँगी बैग में या फिर सूटकेस में, ठीक हो गया। और अभी ये चीज़ें जो है ना, मुझे भी शैम्पू भी इसमें रखना है अभी, इसलिए मैंने बाहर रखा हुआ था। ये थोड़ा सा टिश्यू वॉश डाला था फिटर वॉश करने के लिए, क्यूटिक्स लगानी है, और ये कंडीशन अभी कुछ बिखरे पड़े हैं वैसे ही, ये मुझे समेटनी है अभी। ये लें जी, नेक्स्ट डे का शाम का टाइम है और 4 बज गए हैं, और यहाँ जी मैंने कहा फिनू का जूस पी लेती हूँ, तो पड़े हुए थे कुछ, तो फिर मैंने जो है ना निकाला जूस, और फिर मैं रूम में ले, ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बाजू, और वो मैं दिखा रही हूँ शीशा, मैंने साफ़ करके रखा हुआ है, तो इसको मैं जो है ना सोच रही हूँ कि बड़ा मिरर ले जाऊँ, क्योंकि मुझे मेकअप के टाइम तो जरूरत नहीं होती, मैं कॉम्पैक्ट जो है ना मिरर से काम चला लेती हूँ, लेकिन जब हेयर स्टाइलिंग करनी होती है ना फिर बड़े शीशे की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैं इसी से काम चलाऊंगी, ये बड़ा ले जाऊंगी। जब मैं ये बाजू दिखा रही हूँ कि मैंने थ्रेडिंग भी हो गई है मेरी और फेशियल भी हो गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ की हैं फेशियल में, और थ्रेडिंग में बहुत ज़्यादा ना कम करती हूँ, मेरे बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती। और ये मैंने अक्टूबर या नवंबर में थोड़ी बहुत की थी वैक्सिंग, तो मैं बहुत कम करती हूँ, यूजली मैं ईद पर कहीं आना जाना फिर कर लेती हूँ। और आप वैसे भी मेरी वीडियोज़ में देखेगा कि अब की और पिछली वीडियो में कोई फ़र्क नहीं लगेगा, बस हल्की सी लुइयाँ सी होती है, तो वो भी मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप के साथ जो है ना वैक्सिंग कर ली थी बाजुओं की, और ये जी नीट एंड क्लीन हो गई हैं। और अगर आप पिछली मेरी वीडियोस भी देखें ना, तो आपको कोई इतना डिफरेंस नहीं लगेगा, क्योंकि आई एम नॉट अ हेयरी पर्सन अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक ये भी बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि जिनके बहुत बड़े बड़े बाल हैं तो बड़े स्यापे ही पड़े रहते हैं, हर महीने बाद आपको लाजमी जो है ना करनी और करवानी पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह जी मुझे इतने बाल नहीं। मैंने ये जो ना फेशियल रात को ले लिया था, क्योंकि जो फेशियल होता है ना वो रात को ले तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि फेशियल लेने के बाद आपको सनलाइट में नहीं जाना होता और आपको चूल्हे के आगे नहीं खड़े होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि हीट के आगे नहीं जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले जो ना अपने ऑयल है जो क्लिनजिंग है ना उससे जो है ना क्लीन कर लिया था, क्लिनजिंग कर ली थी फेस की, इसके साथ का भी क्लिनजिंग था बट वो ख़त्म हो गया था, टोनर भी था वो भी पड़ा हुआ, मैंने यूज़ करती टोनर मैं बॉडी शॉप का ही यूज़ कर लेती हूँ, ये वाला कोई सब यूज़ कर सकते, अगर किट है तो किट का यूज़ कर लें बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो सबसे पहले क्लिनजिंग कर ली, फिर मैंने जी स्क्रबिंग कर ली, इसके साथ का स्क्रब भी है सेम ऐसे, मतलब पूरी किट लेना तो उसमें आपको मिल जाती हैं 6-7 चीज़ें, और अलग अलग भी आप ले सकते हो नॉर्मली यूज़ के लिए, ठीक है। वो मेरे वॉशरूम में पड़ा हुआ सेम ऐसी ही इसकी पैकिंग है, ठीक है, सिर्फ स्क्रबिंग स्क्रब है, बहुत छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स हैं, उसके साथ स्क्रबिंग कर ली। और फिर जी मैंने फेस वॉश कर लिया फेस वॉश के साथ गार्नियर की, और उसके बाद फिर जी इसके जो है ना फिर अगर आपने स्टीम लेनी है ना तो स्टीम ले लें, अगर ब्लैक हेड्स हैं, मैंने नहीं ली थी, मैंने सिर्फ ये ही अपने नोज पे और चिन और थोड़ा सा आईब्रोज के ऊपर जो है ये वाला यूज़ कर लिया था, चारकोल मास्क वाइट हेड और ब्लैक हेड रिमूव करने के लिए, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये सीरम इसके साथ होता है तो फिर मैंने ये अप्लाई किया था, इसकी जो मसाज क्रीम है वो मैं नहीं यूज़ करती, मुझे बड़ा उससे ना हैवी हैवी ऑयली ऑयली सा फील होता है, तो मैंने इसकी जो है ना सिर्फ मास्क लगाया था, और उसके बाद बस सोते हुए ये बैलेंसिंग क्रीम लगा ली थी, ठीक है, इसको मैंने स्किप कर दिया था। और फिर इसके लगाने के बाद ना इसका मास्क लगाने के बाद फिर मैंने ये जो है ना दी बॉडी शॉप का भी मास्क लगा लिया था। पहले मैं सोच रही थी मैं ये कर लूँ,
आई मीन सो के मास्क हैं, फिर मैंने यही लगा लिया था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा माइल्ड सा है, ठीक है। अपने ब्लैक हेड वगैरह को रिमूव करने के बाद मैंने इनका मास्क लगाया, ये जो डर्मा क्लियर का है। उसके बाद ये ऑप्शनल है, नहीं तो यही काफ़ी होता है, तो मैंने ये भी लगा लिया था। और उसके बाद सोते हुए जस्ट मैंने ये लगाई थी, और मैंने कोई स्किन केयर नहीं इसके बाद की थी, ठीक है। ये मेरा हो गया जी, क्या हो गया, फेशियल कंप्लीट हो गया, और आईब्रोज और ब्लैक जो थी अपर लिप वगैरह मैंने बना लिए थे, और बस वैक्सिंग भी कर ली थी, और बस बाल जो है ना डाई रह गए थे, तो वो मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बालों का भी हो गया है। और मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कलर कि कैसा आया, अभी जो है ना बाल बिल्कुल जब ड्राई हो जाएंगे, नहीं तो आप आगे मेरी आने वाली जो है ना वीडियो था उसमें आप लोग लाजमी देखिएगा कि बहुत प्यारा कलर जो है ना आया था। अच्छा जी, ये है फिलहाल जो है मेरे बालों का कलर, और अभी जो मैंने बाद में किया कलर वो मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, क्योंकि मतलब फाइनल लुक थोड़ी बहुत आपको दिखाऊंगी कलर कैसा है। बहुत ही प्यारा कलर आया, और मैं कलर भी आपको दिखाती हूँ, डिटेल बताती हूँ कि कौन सा कलर था। वो ये वाला कलर है, ठीक है, रेवलॉन का मैंने एक वीडियो में दिखाया था जब मैं लेकर आई थी। बहुत अच्छा कलर है ये, और परफेक्ट ऐसा ही आया, थोड़ा सा ग्रीनी, यहाँ थोड़ा सा गोल्डन लग रहा है, बट थोड़ा सा एश ब्लॉन्ड, थोड़ा ग्रीनिश टाइप का ये कलर है, बहुत प्यारा कलर है, ठीक है। आम कलर जैसे नॉर्मली लोगों के होते हैं ना, गोल्डन या ब्राउन से थोड़ा सा हट के बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, ये इसकी ना बाहर से पैकिंग है, और आपको मतलब 500 के अराउंड ये मिल जाएगा, बहुत ही रिजनेबल और अफोर्डेबल है। और मतलब अप्लाई करने के बाद बहुत बाल सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये दो बॉटल्स निकलती हैं, एक में जो है ना एक कलर टाइप का होता है लिक्विड, एक में डेवलपर होता है, इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करना होता है। और ये छोटी जो बॉटल है ना, इसको इस बड़ी वाली में करके तो आगे से नोजल को थोड़ा सा आप सीजर के साथ कट करके तो फिर इसको अप्लाई कर लें। बट इजी यही है कि आप इसको कंटेनर में निकाल लें, ब्रश की मदद से अप्लाई कर लें, और फिर उसको अपने हिसाब से, अगर आपके ग्रे हेयर हैं तो फिर तो आप 25 मिनट लगाएंगे, लेकिन जस्ट अगर आपने, जैसे मैंने कलर ही इसमें देना था बालों में, तो मैंने 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही इसको जो है ना वॉश कर दिया था। और उसके बाद ये नंबर 3 पे लिखा हुआ है पैकेट पे, ये इसका कंडीशनर है जो आपने आफ्टर वॉश जो है ना अप्लाई करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, और बहुत ही अच्छा कलर आया था, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। कलर आया है लेकिन अभी बाल थोड़े से गीले हैं, तो ना वो शेड मार रहा है कभी किस किस्म का कभी किस किस्म का, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह ग्रीनिश टाइप का ये कलर है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको एक साइड पर तस्वीर लगाऊंगी मतलब कि बिफोर, और एक साइड पर लगा दूंगी जब मैंने कट डाउन किया था आफ्टर, और ये है जी फाइनल रिजल्ट। क्योंकि कट डाउन मैंने ज़्यादा नहीं किया था, लाइट अगर मैं लाइट करती तो फिर बहुत ज़्यादा लाइट आता, बट ये जो है ना कलर परफेक्ट है कि ज़्यादा लाइट नहीं है और बिल्कुल डार्क भी नहीं है। ये देखें, ये मेरी स्किन टोन के हिसाब से बहुत प्यारा कलर लग रहा है और बहुत सूट करता है, ठीक है। अभी मैं जब जस्ट बाल स्ट्रेट करेंगे ना फिर सही होगा, और जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तभी थोड़ा सा और लाइट लगेगा। अभी थोड़े थोड़े गीले बाल हैं तो इसलिए इतना लाइट नहीं लग रहा, बट कलर जो है ना, ये जो है ना शाम का टाइम है और ये डे लाइट है, इसमें भी जो है ना रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, और रूम में मैंने लाइट नहीं चलाई हुई, तो मैंने कहा आपको डे लाइट में इसका दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का रिजल्ट आया है, और मुझे तो पर्सनली काफ़ी पसंद है ये कलर। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ा सा ना ग्रीनिश ग्रीनिश टाइप का ये कलर है, यहाँ थोड़ा थोड़ा रेड लग रहा है, बट ये थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का, जैसे पिस्ताशू एश ब्लॉन्ड है ना वो वाला कलर है, जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वैसा है, ठीक है। वो टिपिकल सा नहीं है जो लोगों के कट डाउन के बाद ऑरेंज टाइप की टोन है, वो नहीं आ रही इसमें, तो बहुत प्यारा कलर आया है, और काफ़ी ग्लोसी ग्लोसी सा ये कलर है। अच्छे कलर है रेवलॉन के, मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, बट ये शेड जो है ना मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया इसमें से, अदरवाइज नहीं तो क्यूने का है 6.3, वो भी इसी किस्म का कलर है, मैं वही यूज़ करती थी। तो ये देखें जी, आई होप आज की आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना बहुत सारा ढेरों ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो एक साइड पर मैं लगाऊंगी बिफोर, एक साइड पर लगाऊंगी आफ्टर, और एक साइड पे लगाऊंगी ये फाइनल, ठीक है। तो आप लोग जरा इजी कंपेयर कर लोगे, सही हो गया। चलें जी, वीडियो का एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।